हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है ये मेरा प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो है, और आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस धोनी का जो माउथ टैच, बियर्ड और हेयर है उसी को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। उम्मीद है ये वाला वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो माउथ टच और बियर्ड वाला पोर्शन है सबसे पहले मैं इसे कंप्लीट करूँगा, उसके बाद जो हेयर है मैं उसे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, आप बस ध्यान से देखो कि किस तरह से मैं माउथ टच और बियर्ड को शेड करता हूँ। एंड एज यूजुअल माउथ टच और बियर्ड के लिए भी मैं वही एक ही पेंसिल का यूज़ करूँगा, ये है ब्रूस्ट्रो HB ग्राफाइट पेंसिल। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से मैं एकदम लाइटली बिना प्रेशर के अप्लाई किए हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो हेयर्स है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं है कि एक हेयर लेफ्ट, एक हेयर राइट, एक हेयर अप डाउन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जो है हेयर एकदम एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा और रियलिस्टिक दिखेगा। इस तरह से आप लोगों को हेयर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, माउथ टच के बाद अभी जो बियर्ड है मैं उसे फिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो कि बियर्ड के लिए मैं किस तरह से हेयरी टेक्सचर ड्रॉ करता हूँ। वीडियो को एज यूजुअल मैं कुछ कुछ पोर्शंस पे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। माउथ टच और बियर्ड ड्रॉ करने के बाद अभी इस कंप्लीट पोर्शन को हमें ब्लेंड करना होगा, और ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ये राउंड मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो ग्राफाइट है वो और ज़्यादा अच्छे से फैल जाएगा, और बीच बीच में जो वाइट वाइट एरियाज है वो भी कवर हो जाएगा। एज अ सेकेंड लेयर ग्राफाइट पेंसिल से मैं उसी पोर्शंस पे दोबारा से शेड कर रहा हूँ, और इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग एकदम अच्छे से देखो, ठीक है, कि किस तरह से मैं जो छोटा छोटा हेयर्स है उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब आप लोगों को जैसे तैसे कुछ भी करके हेयर ड्रॉ करना है, आप लोगों को हर एक चीज़ स्टेप वाइज ही हमेशा करना होता है। उसी तरह से ठीक आप लोगों को जो ये हेयर है उसे भी ड्रॉ करना होगा।
अभी सेकेंड लेयर को भी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पे जो फ्लैट मेकअप ब्रश है उसका भी यूज़ करूँगा, और जो राउंड मेकअप ब्रश है उसका भी यूज़ करूँगा। ब्लेंड करने के बाद आप इस तरह से डिटेलिंग से ऐड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अगर यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा हेयर्स होता तो ये और अच्छा दिखता, तो आप इस तरह से डिटेलिंग से ऐड कर सकते हो। फाइनली माउस्टैच और बियर्ड कंप्लीट होने के बाद अभी जो हेयर है उसकी बारी। अब बस ध्यान से देखो यहाँ पे भी कि किस तरह से मैं हेयर को ड्रॉ करता हूँ। एंड एज यूजुअल हमें यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में हेयर ड्रॉ करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से मैं यहाँ कर्व टाइप में हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी इस वाले पोर्शन में भी हेयर ड्रॉ करना होगा। अभी ब्लेंड करने की बारी, और ब्लेंड करने के लिए मैं वही राउंड मेकअप ब्रश का यूज कर रहा हूं। ब्लेंड करने के बाद अभी सेकेंड लेयर की बारी। से मैंने आप लोगों को माउस्टैच बियर्ड और हेयर ड्रॉ करके दिखाया है। उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। अगर आपको फीडबैक, कमेंट, क्वेरी कुछ भी हो आप नीचे टाइप कर सकते हो। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नया और फ्रेश वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, बाय।